हेलो फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्लिम ट्रिम रहना किसे पसंद नहीं है, और स्लिम ट्रिम रहने के लिए हम अधिकतर लौकी खाना प्रिफर करते हैं। लौकी से बहुत सारी रेसिपीज मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, जैसे लौकी चना दाल की सब्जी, लौकी के कोफ्ते की सब्जी, लौकी के मुठिये, और आज हम एक और लौकी की हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, जो है लौकी के थेपले। लौकी के थेपले या दूधी के थेपले, ये एक गुजराती रेसिपी है। इसे हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और जी हाँ, आप बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लौकी के थेपले बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा, साबुत जीरा लिया है, शक्कर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये मैंने मक्के का आटा लिया है, और बेसन लिया है। ये हमें दो दो चम्मच लेना है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं ये ले रही हूँ। खाली गेहूं के आटे से भी हम थेपला बना सकते हैं, इसकी जगह आप मक्के के आटे की जगह आप बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, आप जो भी चाहे वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें लेना है मक्के का आटा, बेसन मैंने यहाँ पे लिया है, और दही हमें थोड़ा चाहिए दो चम्मच, तेल, गेहूं का आटा, लौकी और हरा धनिया। सबसे पहले हमें लौकी को पील आउट करना है, छेलना है इसे इस तरह से। लौकी को मैंने छील लिया है कटर से, अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेटेड लौकी को मैंने एक बॉल में ले लिया है। अब हम इसमें डालते हैं अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। आप यदि लहसुन नहीं खाते हैं, एक बड़ा चम्मच ले रही हूं मैं, यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ अदरक और मिर्ची का पेस्ट ले सकते हैं, और हींग भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें लेंगे, और साबुत जीरा 1/2 टीस्पून साबुत जीरा इसमें लेंगे। अब हम इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आपकी इच्छा अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर हम इसमें लेंगे, और थोड़ी सी शक्कर। गुजराती रेसिपीज में शक्कर होती है, आप पसंद नहीं करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एक चम्मच शक्कर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देते हैं दो चम्मच बेसन लेंगे, और दो चम्मच मक्की का आटा हम इसमें ले रहे हैं। सिर्फ न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाने के लिए हम इसमें ये ले रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, आप कोई सा भी आटा इसमें ज्वार का, बाजरे का ले सकते हैं, या सिर्फ गेहूं का आटा भी आप इसमें ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा है ये। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा स्वादानुसार अब हम इसमें नमक मिला लेंगे। सबको मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, तेल को भी हम अच्छी तरह से इसमें आटे में मिक्स कर लेंगे। ये आटे में हमने तेल मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा 2 चम्मच दही डाल देते हैं सॉफ्टनेस के लिए। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हमारे थेपले बनेंगे। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने आटा गूंथ लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और अब हम इसके थेपले बनाएंगे। अब हम आटे में से एक छोटी सी लोई लेंगे,
सॉफ्ट ही आटा है हमारा ये, और अब इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें आटा लगा लेंगे और इसको हमें एकदम बारीक पतला बेलना है। ये मैंने एकदम पतला थेबला बेल लिया है। पराठे हमारे थोड़े मोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, पर थेबले हम इस तरह से छोटे छोटे एक साथ दो तीन बनाकर भी तल सकते हैं इसको। अब हम वापस दूसरा थेबला बनाएंगे, थोड़ा पतला थेबला हमें बनाना है। ये मैंने एक साथ तीन थेबले बना लिए हैं। अब हम इसे गर्म तवे पर सेकेंगे। ये नॉन स्टिक तवा है, मैंने गर्म कर लिया है और आंच भी धीमी कर दी है। अब हम इस पर थेबले ले लेते हैं, दो तीनों थेबले हम एक साथ इस पर कर लेंगे। एक तरफ से ये होने लग गया है, अब हम इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे। हमें इसे ज्यादा कड़क नहीं करेंगे, इसको तुरंत ही हम तेल लगा देंगे जिससे कि हमारे थेबले रखे भी रहे तो एकदम सॉफ्ट रहेंगे। थेबले को हम ट्रैवलिंग में सफर में भी ले जा सकते हैं, दो तीन दिन तक ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। इसको अब हम पलट देते हैं तेल लगा के। इस साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा तेल और अप्लाई करेंगे इस पर। इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा के हम सेक लेंगे। हल्के हल्के इस पे पिंक स्पॉट आ गए हैं। ये हमारे थेबले रेडी हैं, इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के थेबले भी हम बना लेंगे। ये हमारे थेबले रेडी हैं, इसको मैंने अचार के साथ सर्व किया है। ये हमारे हेल्दी और टेस्टी दूधी या लौकी के थेबले तैयार हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं, पिकनिक पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स।